30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। फ्लोर पे तो शोएब और दीपिका ने बहुत ही धमाल मचाया और अब धमाल मचाने की बारी है जूम के फ्लोर पे और वो लोग आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू जूम दीपिका एंड शोएब। हेलो, थैंक यू। हाय। सबसे पहले बताइए आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? आज का दिन अभी तक बहुत अच्छा है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है क्योंकि हम लोग अभी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा या देख के चौकिएगा मत, हम लोग बहुत अजीब लग रहे हैं क्योंकि हम लोग फुल नींद में हैं, ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कल संडे था और हम सब फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे, तो बहुत मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की, पानी में खेला, वाटर पार्क गए थे। How was the whole experience show? सबसे पहले आपसे कोई लौट के आया, it was like really thriller show जो देखते थे तो वेट करना पड़ता था कि नेक्स्ट वीक क्या होगा और हाँ, मुझे देखना ही था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था, बहुत खास था क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैंने टीवी पर वापसी की थी और जैसा शो मैं चाहता था, जैसे कैरेक्टर मैं चाहता था, मुझे वो मिला। बहुत कुछ सीखने मिला, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला, अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, स्टार प्लस में एक्टर्स जो थे साथ में, शरद है, सुरभि है, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े नाम थे, काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक इंडिविजुअली जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, वो वक्त कैसे बीता, स्टार्ट टू एंड, बिगिनर से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे। हाँ, बट कहते हैं कि जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी होता है, बट हाँ थोड़ा सा अगर और थोड़ा लंबा चलता तो ज़्यादा खुशी होती, बट जितनी भी जर्नी रही बहुत अच्छी रही और बहुत प्यार मिला लोगों का, अभिमन्यु को बहुत प्यार मिला, शुक्रिया उसके लिए बहुत। दीपिका, योर टेक ऑन दिस शो? कोई आई थिंक मेरा अब तक का इनका फेवरेट कैरेक्टर अभिमन्यु रहा है, बिकॉज मुझे उस कैरेक्टर में इनका हर शेड देखने मिला है, आउट एंड आउट रोमांटिक, एग्रेशन, हर चीज़, तो मेरा अब तक का फेवरेट रहा है। और जैसे आप वेट करती थी, मैं भी वेट करती थी इनका टेरिकास वापस आने का। सो आपको लगता है थोड़ा और चलना चाहिए था कुछ हफ्ते? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा और अगर एलैबोरेट थोड़े समय और तक चलता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ अच्छा शुरुआत होने के लिए ख़त्म हुआ होगा। और जो नच के मंच पे आप लोगों ने धमाल मचाया उसके बारे में क्या कहेंगे? आई मीन हर वीक जो एक दिखता था, एनर्जी दिखती थी, पावर दिखता था, चलो सब बहुत है। आई थिंक उसका 200% क्रेडिट इनको जाता है, बिकॉज उस वक्त जो है इनका शो भी चल रहा था, सो नच के सारे आर्टिस्ट में से ही वॉज दी ओनली वन जो पूरे 12 घंटे शूट ख़त्म करके देन आके ही यूज टू रिहर्स। सो ये मैं हर बार बोलती हूँ, बिकॉज आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इनको देखा है, मेरी टीम ने इनको देखा है कि ये 10 बजे जब आते थे हमारे पास, उन दिनों इत्तेफाकन इनके डबल रोल भी चल रहा था, फाइट सीक्वेंस चल रहे थे, रोज हार्नेस लग रहा है, रोज धूप में फाइट सीक्वेंस कर रहे थे, जब ये आते थे ना ये ऐसे होते थे, ही यूज्ड टू टेक जस्ट 1 आवर ब्रेक, खाना खाया, नैप तो भूल जाओ, डिस्कस किया अच्छा आज क्या करना है, अच्छा क्या करना है, क्या करना है, एंड देन 3 घंटा, क्योंकि 3-4 o'clock हमें वाइंड अप करना ही पड़ता था, ही हैड नेक्स्ट डे शूट अगेन, सो हैट्स ऑफ टू हिम। उस वक्त दौरान अगर मैंने कुछ इनसे सीखा है तो दैट इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, मतलब मैं इतना नहीं कर पाती ऑनेस्टली। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द जर्नी, येस इट हैज़ बिन वेरी स्पेशल, बिकॉज हम लोग साथ में थे एंड हम दोनों को डांसिंग बहुत पसंद है, हम दोनों ने कभी सीखा नहीं है, बट वो एक जरिया था जब साथ में भी थे और सीखने मिल रहा था और मस्ती करने मिल रहा था, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तो बहुत मज़ा आया। एक हफ्ते, मतलब हफ्ते दर हफ्ते जब जजेस के इतने सारे प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स एंड फैंस का इतना प्यार जो हमें मिला, आई थिंक दैट इज़ प्राइसलेस, क्योंकि आज भी नजपुरी ख़त्म होके करीब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी वो ढूंढ ढूंढ के उसके एडिट्स बना के या उसके वीडियोस हमको भेजते हैं, सो बहुत स्पेशल फील होता है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक इट विल बी फॉर मी, इट विल बी अ शो जो मेरा सबसे खास रहेगा। ओके, मेरे भी रहेगा, ऐसी बात। अच्छा, पर्सनल केयर बहुत मिलता होगा बिकॉज आप डबल ट्रिपल रोल? हमेशा ही मिलता है। हाँ, नहीं वो, हाँ हाँ वो सही बोला, बहुत हमेशा ही मिलता है। और पर्सनल केयर के साथ साथ दीपिका हर चीज़ का ख्याल रखती है, मतलब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता, किसी भी चीज़, चाहे वो खाने पीने से लेके हो, कपड़े हो, या कहीं भी कुछ अगर मेरे ज़बान से निकलता है कि यार काश ऐसा होता या मुझे चाहिए, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में जब तक वो चीज़ें पॉसिबल हैं, वो आ सकती हैं, वो मेरे पास होती हैं, तो ख्याल तो बहुत रखती है। बल्कि हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा चूक जाता हूँ ख्याल रखने में, क्योंकि मैं कभी कभी अपने में ही इतना मैं गुम हो जाता हूँ ना कभी कभी चीज़ों में, तो शायद मुझसे कभी कभी
चीजें छूट जाती हैं तो बट कोई नहीं तुम करो मैं करूँ बातें की हमने बहुत सारे क्यूट पिक्चर्स भी देखे थे स्पेशली रमजान के मंथ में yes. जो आपने पोस्ट किए थे सो हाउ इज गोइंग विद फैमिली बोथ द फैमिलीज आर लाइक अमेजिंग बहुत बहुत स्पेशल फील होता है एंड मुझे तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि आई एम द डॉटर ऑफ द हाउस वो अभी एक सेरेमनी होनी है वो नाम की होगी डेफिनेटली और ठीक है इनके ज़रिए मैं मिली हूँ बट अब मैं ज़्यादा स्पेशल और मेरे लिए मैं ज़्यादा अम्मी और सबा से क्लोज हूँ इनसे ज़्यादा सो सिमर में आप दोनों लोग एक साथ हैं और सिमर ने आप लोगों को मिलाया और आज इतने साल बाद एक साथ हैं कैसा रहा सिमर का एक्सपीरियंस होल एंड सोल आई मीन बहुत सारे चीज़ें एक ऐसा शो है सिमर जो मुझे लगता है कि उसमें जितना एक्सपेरिमेंट हुआ उतना शायद ही किसी शो में हुआ होगा बिकॉज यू नो अगर एक सुपरनेचुरल पावर पे शो बनता है फॉर एग्जांपल अगर नागिन बनी तो वी ऑल नो कि उसमें एक नागिन होने वाली है राइट बट सिमर एक ऐसा शो होता है जिसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और आप लोग उसका हिस्सा रहे बेसिकली हाँ जब जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये बच गए मैं निकल चुका था वहाँ से या एंड मैंने हर चीज़ को फर्स्ट टाइम किया है बट ऑनेस्टली मेरे लिए वो शो बहुत बहुत खास है ऑब्वियसली क्योंकि आपके करियर में एक एक्टर के करियर में हमेशा वो एक शो चाहिए होता है जो आपको एक मुकाम तक पहुँचा और मेरे लिए ससुराल सिमर का वो शो रहा है विदाउट जो भी चीज़ लिख के आई हम पढ़ते थे तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि यार ये कैसे अब ये कैसे एंड जब पहली वी स्टार्टेड विद नागिन की सारा की एंट्री हुई थी एंड हमने नागिन से शुरुआत की थी तो हम सब बहुत स्केप्टिकल थे लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब जैती जी हमारे साथ थी मैं उनसे भी कुछ हद तक सीखी और काफ़ी हद तक मेरा मानना ये रहा है कि आप अगर कोई भी एज एन एक्टर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो फिर आप उसके क्रिएटिवली अगर खुद कन्विंस होके नहीं करोगे तो आप ऑडियंस को कभी कन्विंस नहीं करोगे right. तो हमेशा से मेरा रूल यही रहा है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे कन्विंस करना है कि हाँ मेरे सामने इतना बड़ा नाक खड़ा है और मैं उससे डर रही हूँ अगर मैं एक्टिंग करूँगी तो वो 100% नहीं जाएगा एंड आई थिंक इस वजह से हमारे एफर्ट्स एंड क्रिएटिव स्क्रिप्ट एफर्ट्स सब कुछ मिलके आई थिंक वी डिड वंडर्स बिकॉज वी वर एक्चुअली द ट्रेंड सेटर्स हमने नागिन शुरू किया तो फिर नागिन भी आ गया सब कुछ हो गया तो डेफिनेटली राइट बट एनी रिग्रेट दीपिका सिमर छोड़ने का नो डेफिनेटली आई थिंक मैंने जिस जब मैंने शो छोड़ा था वाला तो जब स्टार्ट हमने किया था तो हम मैं इंडिविजुअली जब उस टाइम तो मैं अकेला था तो मैं बहुत खुश था फिर जब इनसे मिले तो हम लोग बहुत डिस्कस किया करते थे और दो साल तक मैंने वो शो किया 500-550 एपिसोड मैंने उसके किए लेकिन जब मैंने छोड़ा तो आई थिंक मैं वो मेरा डिसीजन था क्योंकि जो मुझे लाइफ में करना था ना वो शायद मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा था और एक वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आज हम यहाँ काम कर रहे हैं अगर हमें ग्रोथ चाहिए हम यहाँ से खुश नहीं हैं तो हम वहाँ से आगे स्विच करना चाहेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो नहीं पसंद या हमें वहाँ के लोग नहीं पसंद नहीं। हमें आगे ग्रोथ करना है तो वो रीज़न था बेसिकली मुझे वो शो छोड़ने का बाकी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू बाय फॉर ऑल द करमा करम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ